खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कसरानी का एसएचओ तफ्तीशी अफसरान मोहरान की मीटिंग से खताब, जराइम की बेहनी और साइरिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आने पर जोर। तर्जमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कसरानी ने जिला भर के एसएचओ तफ्तीशी अफसरान और मोहरान के साथ मीटिंग की और कहा कि वो थानों में आने वाले साइरिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ और हर मुमकिन उनकी दादरसी करें। शहरियों की जानो माल के दुश्मन डाकुओं, मुजरिमान, इश्तहारियों और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। जुराइम और लाकानूनीत को सख्ती से कुचला जाए और किसी मुजरिम इश्तहारी और जुराइम पेशा नासिर को सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट मोहम्मद अकमल शुरका मीटिंग से अपने खिताब में कहा कि वह तमाम जेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके चालान अदालत में जमा करवाएं। इसी तरह हर तफ्तीशी अफसर अपने अपने माल मुकदमात और पेंडिंग डूट्स भी जल्द जमा करवाएं और पोल काम पर अपने अपने मुकदमात की बाबत रिकॉर्ड मुकम्मल करें। डीपीओ सियालकोट ने एसएचओ को सख्ती से हदायत की कि मैरिट पर तफ्तीश करें, इंसाफ फराहम करने में किसी दबाव में ना आएं, शहरियों के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आएं और किसी शरीफ शहरी से बदसलूकी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी।